अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ए आई टेक 97। मैं हूँ अब्दुल मजीद और आज हम देखने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल में आपको डिफरेंट तरह के एरर्स दिखने को मिलते हैं। तो उनमें से हम आज एक एरर देखेंगे, वो कौन सा एरर है, वो है रिडायरेक्ट एरर। आज हम इसको देखेंगे किस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। तो इस साइट पे हमने कुछ चीज़ों को हाइड करके रखा है सिर्फ प्राइवेसी के लिए, तो आपके साथ हर चीज़ को शेयर किया जाएगा। मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ रिडायरेक्ट एरर पे, तो इस तरह का इंटरफेस और यहाँ पे वैलिडेट फिक्स का भी आपको शो होगा, लेकिन इसको हम यूज़ करेंगे, लेकिन जब हम सारी चीज़ों को फिक्स कर लेंगे तब हम इसको वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे अफेक्टेड पेजेस हैं वो तीन हैं यहाँ पे, आपके भी हो सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है दीज पेजेस आर नॉट इंडेक्स आर सेव्ड ऑन गूगल, इसका मतलब ये पेजेस हमारे गूगल पर इंडेक्स नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे, ये मेरी एक पोस्ट है जो आप यहाँ पे मैंने हाइड कर दी है। ठीक है, और यहाँ पे है जो अगर आप इसको इंस्पेक्ट यूआरएल करना चाहें तो जस्ट आप इस पर क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि ये यूआरएल गूगल में अलाइव है या नहीं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अगर हम क्लिक करें तो हम इसको देख सकते हैं कि हमारी जो पोस्ट है अवेलेबल है या नहीं, और यहाँ पे हम इसका लिंक, जो हमारी यूआरएल है उसका लिंक हम कॉपी कर सकते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं, ये वाला जो लिंक था ये काफ़ी ओल्ड था क्योंकि मैंने पोस्ट को चेंज कर दिया था और उसके यूआरएल को भी चेंज कर दिया था, लेकिन उसका यूआरएल इसमें रह गया जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है। मैं आपको न्यू टैब में ये पोस्ट ओपन करके दिखाता हूँ कि ये वाकई अवेलेबल है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 404 एरर, मतलब कि ये पोस्ट हमारे ब्लॉग ऑफ साइट पे अवेलेबल नहीं है, ये डिलीट हो चुकी है। इसको हमने क्या करना है, जस्ट हमने इसका जो यूआरएल है इसको हमने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपने ये वाले जो आप देख रहे हैं रिमूवल, इस पर आ जाना है आपने। रिमूवल में आने के बाद यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे आपने क्लिक करना और यहाँ पे आपने वो लिंक पेस्ट कर देना है जो 404 वाला है। ठीक है, और यहाँ पे रिमूव दिस यूआरएल ओनली पे क्लिक करके आपने इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना और यहाँ पे आपने इसको सबमिट कर देना है। ठीक है, मैं ऑलरेडी इसको सबमिट कर चुका हूँ, इस वजह से ये डुप्लीकेट रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो हम दोबारा पेजेस पे चलते हैं और पेजेस पे जाने के बाद हम यहाँ पे रिडायरेक्ट एरर्स पे आ जाते हैं और दूसरे हम एरर्स वगैरह को देखते हैं। जैसे कि ये हमारा एक आर्टिकल है, इसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं कि ये वाकई हमारा जो आर्टिकल है ये अवेलेबल है। जी बिल्कुल, ये हमारा यूआरएल के रिलेटेड अवेलेबल है हमारा ये ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, तो जस्ट हम चलते हैं इस पर और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इंस्पेक्ट करने से पहले। अब जस्ट इस पर क्लिक करेंगे, इस यूआरएल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस शो होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेस्ट रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी ब्लॉगिंग। हम यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या इस पोस्ट को रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी फाइल ने ब्लॉक किया हुआ है या नहीं। ठीक है, तो हम इस चीज़ को भी देखेंगे, अगर इसने इस पोस्ट को ब्लॉक किया तो हम अपना जो रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी फाइल है जो हमने ब्लॉगर की सेटिंग में ऐड किया था, ठीक है, रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी फाइल में हम उसको सेट करेंगे। तो जैसे हम यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई एरर्स वगैरह तो नहीं है, तो ये अभी ओपन हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पर रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी टेस्टर ओपन हो चुके हैं और यहाँ पर हम देखें यहाँ पर हमारा क्या रिजल्ट हैं, अलाउड है यहाँ पे, मतलब कि हमारे जो रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी फाइल है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट क्रॉलर्स हैं, ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं हर एक क्रॉलर को, यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पे भी अलाउड है। इसका मतलब हमारा जो यूआरएल है इसमें किसी भी तरह का रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी वाला ब्लॉकिंग वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं है। तो जैसे हम इसको क्या करेंगे, हम दोबारा यहाँ पर इसको इंडेक्स करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम क्लिक करें रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स, ये अब हम देखते हैं जो हमने इंडेक्स किया है उसमें क्या चीज़ है। मैं अभी कुछ देर पहले इसको इंडेक्स किया है, वो मैं आपको दिखा दें। यहाँ पे देखें अक्टूबर 30, ठीक है, 2000, ये 1:17 पर, ये 47 मिनट हो चुके हैं, मैंने कुछ देर पहले इसको किया था, क्रॉल मैंने किया था और ये देखें यहाँ पे अब फेच हो रहे हैं हमारे गूगल जो है साइट मैप डॉट एग्जाम्पल में, ये अब हमारी जो पोस्ट है वो शो हो रही है कि इस ये आपकी अवेलेबल है। और यहाँ पे देखें 30 अक्टूबर को हमारा जो है क्रॉलर ने इसको क्रॉल किया, मतलब कि आज ही है इसने क्रॉल किया। और बाकी इंडेक्सिंग है, यहाँ पे एरर था, एक रिडायरेक्ट एरर था उनमें हमारा, तो ये भी हमारा सॉल्व हो जाएगा क्योंकि हमने इसको इंडेक्स की जो रिक्वेस्ट है वो कर दी है। यहाँ पे अगर हम लाइव टेस्ट पे क्लिक करें
और आपने जितने भी आपके यूआरएल्स होंगे जस्ट आपने पहले चेक कर लेने हैं कि reboot.txt में वो ब्लॉक तो नहीं है। जस्ट आप एक भी चेक कर लेंगे तो आपको सारे श्योर हो जाएंगे। और उसके साथ आपने हर पोस्ट को पहले इंडेक्स करवाना है, ठीक है, दोबारा। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डिटेल में कि आपका जो पोस्ट है वो कब क्रॉल हो रहा है, ठीक है, उसकी डेट वगैरह आप देख सकते हैं। और ये भी देख सकते हैं कि वो आपके साइट मैप में भी शो हो रहा है या नहीं, आप चेक कर सकते हैं। जस्ट हमने ये इसको टेस्ट किया तो लाइव ये गूगल में अवेलेबल है। जस्ट हम रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करेंगे और हमारे ये जो एरर्स है वो ये सॉल्व हो जाएगा। ये हमने रिक्वेस्ट कर दी, हम बैक आ जाते हैं। हमें दूसरी जो पोस्ट है हमारी उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या एरर्स वगैरह शो हो रहे हैं। तो ये लास्ट वाला हमारा एक पेज है, कॉन्टैक्ट अस का पेज है। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं तो ये भी हमारा अवेलेबल है और इसको भी आप टेस्ट करके देख सकते हैं इजीली। और यहाँ पे जस्ट आपने क्लिक यहाँ पे करना है यूआरएल के, और यहाँ पे report.txt में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि ये report.txt फाइल ने इसको ब्लॉक नहीं किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप रिज़ल्ट देख लेंगे, अलाउड का ऑप्शन आपको यहाँ पे ग्रीन लाइन आपको शो हो रही होगी, ठीक है। और ये इसको हम फिर से इंडेक्स करवाएंगे जिस तरह हमने पहले पोस्ट को करवाया था। और यहाँ पे टेस्ट लाइव पे क्लिक करेंगे। इस तरह आपने हर चीज़ को चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंडेक्स कर रहा है, टेस्टिंग लाइव कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि इसके क्या रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो आपको एक या दो दिन के अंदर ये जो एरर्स हैं ये जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और आपको ईमेल आ जाएगा कि आपके जो एरर्स गूगल सर्च कंसोल में शो हो रहे थे वो सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे मैं क्लिक करता हूँ, तो जस्ट आपने क्लिक करना है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, देन आपको ये मैसेज आ जाएगा कि इंडेक्सिंग रिक्वेस्ट, ठीक है, हो चुकी है। तो उसके बाद हम बैक आ जाते हैं। और ये सब चीज़ें हम करने के बाद जब हम रिडायरेक्ट एरर्स है ना जो ये वाले हमारा जो शो हो रहे थे, जस्ट हमने ये सारी चीज़ें सॉल्व करने के बाद हमने वैलिडेशन फिक्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जस्ट कुछ सेकंड आपने वेट करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने कहा कि वैलिडेशन स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे सी डिटेल पे आप वैलिडेशन को देख सकते हैं कि ये स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपने ब्लॉगर में या आपकी वर्डप्रेस में इस तरह का कोई इशू है तो आप उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के अगर गूगल सर्च कंसोल में आपको डिफरेंट एरर्स का सामना करना पड़ता है तो आप मेरी जो प्लेलिस्ट है, आप अगर मैं आपको प्लेलिस्ट दिखाऊं यहाँ पे ब्लॉगर सर्च कंसोल एरर्स एंड सॉल्यूशंस, ठीक है, आप इसको ओपन करके गूगल सर्च कंसोल में हमारे कुछ भी जो भी एरर्स वगैरह आते हैं वो सारे मैं इसमें हम डिस्कस करते हैं। और उसके साथ ही अगर आप एक अपनी कंप्लीट साइट बनाना चाहते हैं, ठीक है, ब्लॉगर पे फुल ऑप्टिमाइज्ड, तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। इसमें मैंने हर एक एक पॉइंट को, एक छोटे छोटे पॉइंट को भी एक्सप्लेन किया है वेल, ठीक है। और उसके साथ ही अगर आप कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं, SEO ऑप्टिमाइज कंटेंट लिखना चाहते हैं अपने, और अगर आप ChatGPT से या किसी भी AI टूल से आप डाटा को लिखवाना चाहते हैं, कंटेंट को लिखवाना चाहते हैं और उसको होमवर्क रिटर्न बनाना चाहते हैं 100%, तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।